हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर मैं आपके कमेंट्स के जवाब लेकर आया हूं दोस्तों। जो भी आपने कमेंट्स किए थे उनके जवाब मैं इस वीडियो के अंदर दूंगा। आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, शायद आपके जो क्वेश्चन हो वो किसी और भाई और बहन ने पूछ लिया हो तो आपका जवाब है वो यहीं पर मिल जाएगा। इसके अंदर बात कर लेते हैं कि मोस्टली क्वेश्चन है वो कट ऑफ को लेकर, EWS और फिजिकल डेट को लेकर है। तो चलिए एक एक करके क्लियर करते हैं सभी के डाउट्स। यहाँ पर आप सबसे पहले कमेंट लेते हैं अजय सिंह जी का। यहाँ पर इन्होंने पूछा कि सर जी मेरी कैटेगरी मिस्टेक हो गई थी सर, एनी करेक्शन कैन बी मेड और नॉट एट ए DV। यानी कि ये पूछ रहे हैं कि इनकी जो कैटेगरी डालते समय जो फॉर्म फिल कर रहे थे उस समय पर गलती कर दी थी तो क्या ये सही कर सकते हैं। देखिए अजय सिंह जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। हाँ, एक हो सकता है, ये सोर्स है कि आप बाद में जब एप्लीकेशन देकर वहाँ पर करेक्ट करवा सकते हो तो उस टाइम पर हो जाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के वजह से बच्चों को बाहर नहीं निकालते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है तो बात अलग है, लेकिन आपने फॉर्म फिल करते टाइम में अगर ये कैटेगरी की मिस्टेक हो गई तो आपकी मेरिट सेक्शन के ऊपर वो हो जाता है, इफेक्ट आता है। यानी कि मेरिट जो छूटनी चाहिए थी आपकी, जैसे कि आप OBC कास्ट के अंदर हो और आप SC के या फिर जनरल के अंडर आ रहे हो तो आपको वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपने कैटेगरी गलत भरी है तो वहाँ पर एक वो गलती मानी जाएगी आपकी। वहाँ पर आप एप्लीकेशन डाल के देख लेना, शायद कुछ हो जाए। तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, मोहित जी का है। यहाँ पर ये देखिए कि सर EWS से गर्ल्स हूँ, यहाँ पर नाम इन्होंने अलग कर रखा है। इन्होंने कहा है कि सर EWS से गर्ल्स हूँ, पॉइंटों में मार्क्स ज़्यादा है। अब मैं ये उन दोस्तों को कहना चाहूँगा कि जिनके मार्क्स दो या तीन ज़्यादा है, वो देखिए यहाँ पर कि कैसे कैसे बच्चे आपको मिल रहे हैं कि जिनके मार्क्स पॉइंटों में ज़्यादा हैं, तो फिर आप डिमोटिवेट क्यों रहे हो? आप डिमोटिवेट क्यों हो रहे हो कि आपको फिजिकल नहीं बुलाएंगे या फिर आप फिजिकल देने नहीं जाओगे क्योंकि आप रेस नहीं करोगे? क्यों? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, क्योंकि आपके मार्क्स ज़्यादा नहीं है। तो आपको यहाँ पर ये देख लेना कि कुछ बंदे ऐसे भी हैं जिनके पॉइंटों के अंदर मार्क्स ज़्यादा हैं तो उनका क्या होगा, वो भी सोचा करिए। आपको यहाँ पर एक अलग से मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं इनको कहना चाहूँगा कि जिनके भी मार्क्स हैं यानी कि फिजिकल के लिए जिनको भी कॉल हुआ है वो प्लीज़ फिजिकल करें, चाहे आपके मार्क्स पॉइंटों में ही ज़्यादा क्यों ना हो। साथ में आप दूसरी भर्ती की भी तैयारी करें ताकि आपके साथ साथ में दूसरी भर्ती की भी तैयारी हो जाए। उसके बाद में मनमोहन सिंह जी का यहाँ पर यह कमेंट आया कि हाँ सर, मैं कर रहा था ये गलती, पीठ में दर्द हो रहा था। यानी कि मैंने जो वहाँ पर आपके लिए फिजिकल के लिए जो गलतियाँ हो रही थी उन पर वीडियो बनाया था, उसके अंदर ये कमेंट आया था। तो आपका धन्यवाद मनमोहन सिंह जी। आपको क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और मैं सभी को कहना चाहूँगा कि आप गलतियाँ कर रहे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके अंदर सारे डाउट्स हम आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं A4A कैवली यादव यानी यहाँ कमेंट कर रहे हैं कि सर कट ऑफ रो स्कोर जो होता है उससे लिया जाता है या फिर नॉर्मलाइजेशन ले लेते हैं, ये कहना है इनका। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपकी एक कट ऑफ छुट्टी है जिसके लिए आपको फिजिकल कॉल हुआ होगा। तो आपको यहाँ पर सिर्फ रो मार्क्स नहीं है, यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं वो आपको दिख रहे होंगे। अलग अलग सेक्शन के अंदर अलग अलग दिखाया गया था कि आपके रो मार्क्स कितने और नॉर्मलाइजेशन के कितने मिले हैं, और टोटल मार्क्स आपको वहाँ पर दिखे होंगे। उसके बाद में यहाँ पर अगला कमेंट है आया हुआ है कि सर कन्फर्म बताइए कि कब होगा। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, सर प्लीज़ बता दीजिए। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अभी भी आपके लिए जुलाई डेट ही मैं दूंगा, क्योंकि जुलाई के अंदर फिजिकल होने की पूरी संभावना है दोस्तों। ऐसे आप देख रहे होंगे कि सेंटर के अंदर जो कोरोना की सिचुएशन बहुत ज़्यादा सुधरती जा रही है, तो आपके फिजिकल हैं वो जितने जल्दी होंगे उतने आपके लिए सही होकर बहुत जल्द होने वाले हैं। उसके बाद में हम अगले नेक्स्ट कमेंट के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पर वर्दी लवर ने कहा कि OBC फीमेल कट ऑफ से 5.94 मार्क्स ज़्यादा हैं, फाइनल सिलेक्शन हो सकता है कि? जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आप फीमेल हैं और फीमेल्स की जो वो कट ऑफ बहुत कम इंक्रीज होती है। तो आपको यहाँ पर कॉन्फिडेंस के साथ में फिजिकल की तैयारी करनी है। आपके बेस्ट विशेष की हम कामना करते हैं। फिर नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर देख लेते हैं। इन्होंने यहाँ पर कमेंट किया है किरण जी ने कि सर हमें वर्दी लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं चाहे, और हम तैयार हैं SSC कभी भी फिजिकल ले ले। ये होना चाहिए कॉन्फिडेंस दोस्तों आपके अंदर कि आपका कभी भी फिजिकल हो जाए। मैंने एक वीडियो के दौरान कहा था आपसे कि आपका कल ही फिजिकल हो जाए, यही आपको स्ट्रेटेजी, तो फिजिकल के अंदर यही स्ट्रेटेजी आपको एग्जाम के अंदर अपनानी है कि आपका कल ही क्यों ना हो जाए, इसी तरीके से आप तैयारी करो कि हमारा कल ले लो, चाहे हम इसके अंदर परिपूर्ण है और हम इसको क्लियर करके दिखाएंगे। तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में यहाँ पर दिव्या जी ने यहाँ पर कमेंट किया है कि थैंक यू सो मच सर, आपने सही टाइम पर मार्गदर्शन किया है। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो की जो वो इम्पोर्टेंस को समझने के लिए। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर है राशि जी का कि UR फीमेल के लिए कितने मार्क्स जो वो इंक्रीज हो सकती है कट ऑफ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि गर्ल्स को जो वो 5 से 6 मार्क्स इंक्रीज हो सकती है। देखिए यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड डेटा मैं आपको दे रहा हूँ,
ताकि आपको कुछ थोड़ा बहुत क्लियर हो सके, क्योंकि यहाँ पर कंफर्म कोई नहीं बता सकता। फिजिकल के बाद तो फिर भी पॉसिबिलिटी होती है कि अच्छे से अच्छे बताया जा सकता है कि कितनी इंक्रीज हो सकती है अब, लेकिन आप यहाँ पर 5 से 6 मानकर चलिए, यूआर की बता रहा हूँ मैं। उसके बाद में नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर मोहित पंडित जी का आया हुआ है कि सर मेरा ईडब्ल्यूएस में 59.79 नंबर है, कितना चांस है? देखिए यहाँ पर मैं आपको कहूंगा कि आपके अच्छे मार्क्स हैं ईडब्ल्यूएस को देखते हुए, आपको फिजिकल है वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करनी है, आपका नंबर हो जाएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट कमेंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मुस्कान कुमारी जी ने यहाँ पर मैसेज किया है कि प्लीज सर, प्लीज रिप्लाई मी सर, बहुत परेशान हूँ मैं वेट के लिए, मेरा हाइट 157 है, तो हाइट कितनी होनी चाहिए? यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वेट का पूछ रहे हैं कि हाइट के अकॉर्डिंग जो मैंने वेट का बताया था तो कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप वेट को लेकर अभी टेंशन ना लें, क्योंकि वेट के बारे में कुछ भी यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। तो आपका जो भी है, आपकी हाइट कंप्लीट है, यहाँ पर आप फिजिकल के ऊपर फुल फोकस रहें। उसके बाद में यहाँ पर रचना कुमारी जी ने मैसेज किया है कि सर मेरी हाइट 157 सेंटीमीटर है, मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज रिप्लाई करना। तो यहाँ पर 157 है, तो 157 आप ऊपर वाले कमेंट में भी देख सकते हैं, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी है जिनकी कम है हाइट, वो भी मैं आपको कमेंट में दिखाऊंगा, फिर भी वो फिजिकल की तैयारी करते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ में फिजिकल की तैयारी करनी है, क्योंकि आपकी हाइट तो कंप्लीट है। उसके बाद में इन्होंने, ठाकुर जी ने यहाँ पर यह मैसेज किया कि राइट सर, बिल्कुल करेक्ट बोला आपने, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमें अभी फिजिकल क्लियर करना है, उसके बाद ही किसी कट ऑफ में आएंगे कोई। यानी कि ये बोल रहे हैं कि फिजिकल जो है वो मेन प्रॉब्लम है, और सही भी है कि आपके मेन टारगेट जो अभी फिजिकल होना चाहिए, ना कि कट ऑफ, क्योंकि कट ऑफ तो आप एक बार कंप्लीट करके आप फिजिकल के अंदर आ चुके हैं, उसके बाद में फिजिकल होने के बाद ये पता चलेगा कि कितनी कट ऑफ है वो जा सकती है। उसके बाद में यहाँ पर राव साहब ने कमेंट किया है कि सर ओबीसी में 70 है, फाइनल मेरिट में हो जाएगा क्या? तो ये आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, जो फाइनल है वो आपका हो जाएगा, इतने मार्क्स के अंदर आपका फाइनल हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट हम कमेंट पढ़ लेते हैं कि शर्मा जी के बेटे ने यहाँ पर कमेंट किया है, आपने तो नाम भी बहुत अच्छा रख रखा है, यहाँ पर जनरल मेल कैटेगरी से 68.91 मार्क्स हैं, कितना चांस है? तो जनरल कैटेगरी से मैंने आपको बता रखा था कि 68 से 70 के बीच में आपके मार्क्स हैं, तो आपके फाइनल चांस है कि आपके फाइनल कट ऑफ के अंदर आप आ जाओगे, फाइनल रिजल्ट के अंदर आपका नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि आपके मार्क्स अच्छे हैं, आप फिजिकल को फुल प्रिपेयर करके रखें। उसके बाद में नितिन जी ने यहाँ पर मैसेज किया कि ईडब्ल्यूएस से 68.66 है, और विद सर्टिफिकेट, यानी कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के साथ इनको 68 नंबर यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बहुत अच्छा स्कोर है ईडब्ल्यूएस को लेते हुए, आपका सिलेक्शन जो वो 110% हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको बस फिजिकल के ऊपर कमांड रखनी है। और एक दोस्तों सबसे अच्छा कमेंट मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा सभी फ्रेंड्स के लिए, जो भी फिजिकल को प्रॉब्लम बता रहे हैं, किसी की कुछ प्रॉब्लम, किसी की कुछ, तो यहाँ पर ये पढ़िए आप कमेंट, इन्होंने बहुत ही अच्छा कमेंट किया है के एम प्रीति जी ने कि हम तो भैया बैकग्राउंड एरिया से हैं, यहाँ कोई सुविधा नहीं है, फिर भी हमने अपने खेत में ही लॉन्ग जंप और हाई जंप का स्टैंड बना रखा है, और रोड पर रनिंग करते हैं, रनिंग तो टाइम से आने लगी, लेकिन लॉन्ग जंप भी 11 फिट से 12 फिट है, बस थोड़ी सी हाई जंप में वो कम है इनका, यानी कि 2 फुट है और 7 इंच है। यानी कि यहाँ पर आप कमेंट को देखिए, इसके अंदर गहराई को समझिए कि इन्होंने, देखो इन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को ऊपर नहीं आने दिया, यानी कि इनका एक ही मकसद है कि मुझे फिजिकल क्लियर करना है। यहाँ पर इनके पास जगह भी नहीं थी, तो इन्होंने खेतों के अंदर अपने तैयारी शुरू कर दी, रनिंग के लिए ग्राउंड नहीं था तो इन्होंने सड़क के ऊपर रेस मारना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर इनका देखिए कि लॉन्ग जंप भी बहुत अच्छा है, और हाई जंप को मैं आपको कहूंगा प्रीति जी आप थोड़ा सा है वो मैंने वीडियो डाला था, और इस वीडियो से अगर आपकी हेल्प नहीं हो रही तो आप यूट्यूब की सहायता और भी ले सकते हैं, ताकि आपको और भी अच्छे गाइडर हैं, मेरे भाई हैं बहुत से हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं, और उनको देखकर आपको क्या करना है, तैयारी करना है, आपको किसी भी हाल में यहाँ पर रुकना नहीं है, आपको फिजिकल क्लियर करना ही है। मेरी बेस्ट विशेष जो वो सभी दोस्तों के साथ में है, आज के वीडियो में बस इतना ही लूंगा। अगर आपके कोई भी जो डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दिया करो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड जो वीडियो बनाता हूँ उस दौरान भी मैं आपको ऐसे ही वीडियो बना के दूंगा, और आपके कमेंट के अंदर भी मैं जवाब देता हूँ। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, सभी अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।